सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको सिखाने वाला हूँ सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लेते हैं। फिलहाल मैं अभी घर पे हूँ। यहाँ पर ना बाजू में एक जगह है जहाँ पर ना सिनेमैटिक के शॉट काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी मस्त आते हैं। एंड मैं लेके जा रहा हूँ यश को, उसके ऊपर सिनेमैटिक के शॉट बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। और मैं आज तक जो भी सिखाऊँ ना सिनेमैटिक के शॉट लेते हैं, सब कुछ आप बताने वाला हूँ आज के ब्लॉग में। चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फाइनली उस वाले लोकेशन में आ चुके एंड वो लोकेशन है, ये काफ़ी मतलब पुराना पुराना सा दिख रहा है। तो यहाँ पर ना कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे, तो आगे जो शॉट रहेगा वो सिनेमैटिक के ऊपर रहेगा। गाइस, आपको सिनेमैटिक शॉट अच्छे लगे होंगे। अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि जितने भी सिनेमैटिक की क्लिप निकले ना, मैं कैसे निकाला हूँ। तो अभी सिनेमैटिक की जो क्लिप है ना, उसको फिर से दिखाऊंगा मैं आपको, समझा के बताऊंगा कि कैसे आपको शॉट लेना है। तो जैसे कि अपने सिनेमैटिक शॉट के पहले से ब्लैक इफेक्ट है 2 सेकंड का, तो इसे ब्लैक स्क्रीन कर देना, उसके बाद आगे अपना सिनेमैटिक चालू होगा। देख पा रहे हैं तो कोई आपको दिखा दो आगे। देखिए, सबसे पहले जो लोकेशन है ना, वहाँ के बारे में दिखाऊँ मैं। देखिए, जैसे कि लोकेशन ये है, फिर जो हमारे ऑब्जेक्ट है जिसको मैं सिनेमैटिक शॉट बनाया है उसको भी दिखाऊँ इसके अंदर में। ठीक है, देखिए मैं इस मतलब जो खिड़की होता है, खिड़की का अपोजिट साइड से लेना, जब रोशनी गिरती है ना शक्ल के ऊपर, तो ना सिनेमैटिक काफ़ी अच्छा आता है। एंड ये दूसरा क्लिप है ये, जिसमें कि ये उतर के आ रहा है, मतलब सीढ़ी से उतर के आ रहा है, उतर के बाहर निकल रहा है। ठीक है, मतलब वो सीन भी काफ़ी अच्छा लगता है। एकदम डाउन से लेना, कैमरा को नीचे करना है और तब से वहाँ शॉट लेना है। फिर आगे देखिए, लोकेशन दिखा रहा हूँ उसमें, फिर यहाँ पर ना कुछ सूखे पत्ते थे वो भी दिखाया मैं। फिर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ना किसी के साइड में लिया, बैकग्राउंड अच्छा दिख रहा था, कुछ इस टाइप का मैं शॉट लिया हूँ। मैं आगे देखो ना, मैं अल्ट्रा वाइड से शूट किया हूँ। ठीक है, इसके ऊपर कैमरा ऊपर लिया एंड कुछ इस टाइप का शूट किया, जिससे ना और अच्छा शॉट आ रहा है। एंड आगे अभी ये मैं नीचे लिया हूँ, जैसे अल्ट्रा वाइड से ऊपर से लिया था, अल्ट्रा वाइड के नीचे से लिया, मतलब नीचे से ऊपर की रोशनी गिर रहा ना, काफ़ी सिनेमैटिकल लग रहा है ये। एंड आगे देखिए, अभी आगे मैंने इसको मैं एक जगह पे बैठा दिया हूँ, काफ़ी फेमस पोज है। तो इसे कोई दीवार है, दीवार के पीछे टिकने की जगह है, तो उसको ऐसे रख देना एंड उसको बैठने के बाद एक पेयर फोल्ड करके रहेगा और एक पेयर से लंबा, इससे काफ़ी सिनेमैटिकल शॉट आता है। और आगे देखिए ये वाला, इसमें वो थोड़ा नॉर्मल जगह बैठ के था एंड इसको ऊपर से नीचे तक, मतलब ऊपर से नीचे तक शॉट लिया, इसमें काफ़ी सिनेमैटिकल शॉट लगता है। ये वाला शॉट मैं खिड़की के पीछे से लिया हूँ, काफ़ी मतलब अच्छा दिख रहा है दिखने में, मतलब रोशनी करना फेस के ऊपर सन की रोशनी, उससे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फिर लास्ट में ये है एक शॉट, जिसमें ना ये कुछ एक जगह पे से बैठ के और अपन नीचे से कैमरा लेना है, तो ऊपर करना है, मतलब ये भी दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, उसमें स्टार्ट लिया। एंड आई होप आपको जितने भी क्लिप लिया पसंद आया होगा। अभी कुछ हिसाब से आप सिनेमैटिक शॉट लीजिए, अभी अच्छे सिनेमैटिक आपके पास बनेंगे। हाँ गाइस, आप सिनेमैटिक शॉट बनाओगे ना, तब आप एक स्थान है गिम्बल ले लेना, जिससे आप अच्छे से शॉट ले पाओगे और एकदम स्टेबल वीडियो निकल पाओगे। इससे मैं पूरे क्लिप्स इससे निकाला हूँ, इस गिम्बल से, उसलिए इतना अच्छे निकले। ब्लॉग करेंगे अभी एंड, आज के ब्लॉग में आपको सिखाया सिनेमैटिक शॉट कैसे लेते हैं, काफ़ी इजी है। आप मैं जो जो आपको बताया उस वीडियो में से ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छे सिनेमैटिक शॉट ले लेंगे। तो अभी करेंगे इस ब्लॉग को एंड, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर एंड बाय।